वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ग्वालियर पहुंची। यहां उन्होंने जय विलास पैलेस पहुंचकर राजमाता माधवी रानी सिंधिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करी। इसके बाद महल से बाहर आते ही उमा भारती भावुक नजर आई और कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बताने आई हूं कि मैं उन्हें माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ। यह वादा करती हूँ कि पूरे जीवन भर उनको माता पिता की कमी खलने नहीं दूंगी। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया में बड़ा भविष्य देखती हूँ। इसके साथ ही उमा भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव व आम नेता व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी उन मुद्दों को उठाया ही नहीं जिन पर मोदी खड़े हुए हैं। उन्होंने विपक्ष की एकता को मोदी विरोधी एकता करार दिया है। यह मोदी के विचार विरोधी एकता नहीं है। उमा ने इस बार पीएम के 400 नहीं 500 पार होने का दावा किया है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारत एक्सप्रेस माता जी राजमाता जी के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई और ज्योतिरादित्य जी को उनको बताने के लिए आई कि मैं उनको माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ और पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव नहीं खलने दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य जी में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ और उनको अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए। ये राजमाता साहब की इच्छा थी कि माधवराव सिंधिया जी भारतीय जनसंघ में आ जावे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जावे, वो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह जी ने वो इच्छा पूरी की। और मैं तो वैसे भी ज्योतिरादित्य जी के प्रति बहुत ज़्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ, इसलिए इस घड़ी में मैं उस परिवार के साथ बैठने के लिए आई।